आदिम जाति सहकारी सेवा समिति में धान बेचना है, किसान परेशान हो रहे हैं लेकिन उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। धान खरीदी केंद्र में किसानों को स्वयं पल्लेदारी करनी पड़ रही है। सारा मामला कोरिया जिला के छिंदडांड का है। यहां किसानों को धान बेचने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। किसानों का आरोप है कि वे खुद ही अपने धान की तोलाई को लेकर पल्लेदारी कर रहे हैं। यदि किसान पल्लेदारी नहीं करते हैं तो उनको कई दिनों तक धान खरीदी केंद्र में रहना पड़ जाता है, जिससे मजबूर होकर स्वयं किसान पल्लेदारी करता है लेकिन कोई इनके सुध लेने वाला नहीं है। जबकि धान खरीदी केंद्र से कुछ दूरी पर है जिले के आला अधिकारियों का दफ्तर है लेकिन अधिकारी चैन की नींद में मस्त है। हमारे पास है, उनको जल्दी जाना रहता तो वो सहयोग करते हैं। क्यों भाई, आप लोग तो है ना किसान, बेचे है ना, बात वही है ना। हम तो बोलते हैं कि आप लोग रुक जाइए। किस तरह की समस्या हो रही है धान बिक्री में आपको? समस्या तो सर यहाँ मतलब बाकी सुविधाएं तो है, बस ये कि ऊपर धान किसान को चढ़ना पड़ रहा है। पल्लेदारी आपको स्वयं करना पड़ रहा है? पल्लेदारी स्वयं करना पड़ रहा है। ये यदि पल्लेदारी नहीं कर रहे हो तो क्या हो, क्या दिक्कत होगी? दिक्कत अब क्या रहेगा, दिक्कत तो नहीं, धान चढ़ाने के लिए खुद करना पड़ रहा है। जैसा कि आपको प्रबंधक बता रहा है कि किसान स्वयं जो है अपनी स्वेच्छा से धान ऊपर चढ़ा रहे हैं, ऐसा है क्या? हाँ, तो अब वही मान के चलिए, अब यहाँ आदमी है नहीं तो चढ़ाने ना पड़ रहा।